दोस्तों आज हम एफएससी की लेक्चर की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। तो आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो हमारा पांचवा लेक्चर होगा, जिसमें हमने लाइफ इन स्पेस, लाइफ इन टाइम उसको पढ़ना है। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में हम लोग टिश्यू वगैरह लेवल, ऑर्गेनिक लेवल, सेल लेवल तक पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन, कम्युनिटी लेवल वो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि वो ईजी था, आप कर सकते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक है जिसे कहते हैं लाइफ इन स्पेस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना है लाइफ एंड टाइम। तो उसमें बायोम एक चीज है, डेफिनेशन है उसकी, कि वो क्या थी। बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है, एक खास जगह पे, खास रीजन में, प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। और वो कम्युनिटी का अंदाजा आपको उसके माहौल, उसके क्लाइमेट से हो जाता है। एग्जाम्पल के आप अगर एक रेगिस्तान में जाते हो, वो एक रीजन है, ठीक है, रेगिस्तान का क्लाइमेट क्या होगा, गर्म होगा, पानी की कमी होगी वहां पे, तो वहां पे आपको कौन सी कम्युनिटी मिल सकती है जी? वैसे जानदार मिलेंगे जो वहां पे बगैर पानी के सरवाइव कर सकते हैं। तो आपने क्लाइमेट से वहां पे कोई कम्युनिटी है उसका अंदाजा लगाया, इसे कहते हैं बायोम, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जी लाइफ इन टाइम। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर वन का ही हिस्सा है। तो लाइफ इन टाइम, यहाँ पे आप लोगों ने टाइम से मुराद ये नहीं है कि वक्त क्या है, यहाँ से मुराद, ठीक है जी, कि आज का वक्त, यहाँ से मुराद आपने मुख्तलिफ इयॉन्स, एरा, पीरियड्स, इपॉचेस, ये डिफरेंट वर्ड यूज किए जाते हैं जब एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते वक्त ये वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसा कि दो इयॉन है। ठीक है जी, तो आसान अल्फाज में हमने लाइफ इन टाइम में ये देखना होता है पुराने वक्त में, पास्ट में, ठीक है जी, किस तरह के जानदार थे, आजकल किस तरह के जानदार हैं, वो जो आजकल के जानदार हैं ये कैसे पीछे जो जमाने में रहने वाले जानदार हैं उनसे निकले। आसान अल्फाज में बात की जाए तो हमने लाइफ इन टाइम में एवोल्यूशन देखनी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारी पहली लाइन होती है वो कहता है सिंस द बिगिनिंग, सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्लेस वन अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इट इज फर्स्ट टू लाइन ऑफ योर बुक या योर पेज ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। तो वो क्या कहता है कि जब से लाइफ ओरिजिन हुई है, ठीक है, जमीन के ऊपर जिंदगी का आगाज हुआ, लाइफ ओरिजिन। अब जमीन के ऊपर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, इसका मतलब भी डिफरेंट थ्योरी है। ठीक है, सेल थ्योरी आपने पढ़ी थी 9th में, वहां पे विर्चू था जिसने ए बायोजेंसिस और बायोजेंसिस का कांसेप्ट दिया। इसके अलावा मीटियोराइट का कांसेप्ट भी है कि जमीन पे जब मीटियोराइट गिरते थे तो किसी एक मीटियोराइट में बैक्टीरिया आ गया। इसके अलावा बायोजेंसिस था कि जमीन के ऊपर इनऑर्गेनिक मटीरियल अचानक कंबाइन किया और एक ऑर्गेनिक सेल बन गया। ठीक है, और बाद जैसे भी है कि पहले से मौजूद जानदार दूसरे जानदार पैदा करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट के जमीन पे ओरिजिन कैसे हुआ अकॉर्डिंग टू साइंस, इसके मतलब मुख्तलिफ थ्योरीज मफरूजे हैं, एग्जैक्ट अथेंटिक मालूमात नहीं है। ठीक है, बीइंग मुस्लिम हमें पता है कि इंसान या जमीन किस तरह बनी, उसके ऊपर जानदार कहाँ से है, लेकिन अगर साइंस की बात की जाए तो सिर्फ मफरूजे हैं, थ्योरीज हैं, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, तो जैसे ही जमीन क्या हुआ थी, लाइफ ओरिजिन हुई, जमीन के ऊपर जिंदगी का आगाज हुआ, तो क्या होना शुरू हो गया, रिप्लेसमेंट होनी शुरू हो गई, रिप्लेस होना शुरू हो गया। अब ये रिप्लेसमेंट मिनटों में नहीं, इसे सदियां लगी हैं। ठीक है, कि रिप्लेसमेंट होने लगा। अब रिप्लेसमेंट जैसे कहते हैं बदलना, अपनी जगह दूसरे को देना, किसी की जगह ले लेना। तो रिप्लेसमेंट हुई क्या थी, इस रिप्लेसमेंट में जो सिंपल जानदार होते थे, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ले लें, ठीक है, वो बदलना शुरू हो गए मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे आप लोग 5 किंगडम आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे फर्ज करें बैक्टीरिया, वो प्रोटोजोआ में बदल गए, और प्रोटोजोआ से फिर क्या हुआ जी, एनिमल, प्लांट, फंजाई, ये चीजें इवॉल्व हुई। तो क्या हुआ जी, विद द ड्यूरेशन, ठीक है जी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते रहे, सिंपल जानदार उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, फिर आगे उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया, फिर आगे उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो क्या हुआ, जब से जमीन पे जिंदगी का आगाज हुआ है, मुख्तलिफ जानदार आपस में रिप्लेस होते हैं, सिंपल मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसके मुकाबले एक नया एडवांस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स जानदार एनवायरमेंट में पैदा हो जाता है। तो ये अब हम लोग कैसे कह रहे हैं, ये रिप्लेसमेंट होती रही है कि सिंपल जानदार जाते थे और कॉम्प्लेक्स जानदार आ जाते हैं। तो इस रिप्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन। ठीक है जी, हम लोग क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस इन एलील, जीन, जीनोम, डीएनए, आरएनए।
ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जीनोम डीएनए या आरएनए में या जीन्स में तब्दीली होती है, जिससे एक जानदार से दूसरा जानदार पैदा होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो पहले वाले में नहीं थी, तो इसे एवोल्यूशन कहते हैं। अब हमें कैसे पता थी एवोल्यूशन हुई थी सिंपल जानदार कॉम्प्लेक्स में, तो वो हमें बताता है जी ये फॉसल। जब हमने फॉसल की स्टडी शुरू की तो हमें पता चला कि सिंपल जानदार वजूद थे और वो कॉम्प्लेक्स होते रहे और अभी भी क्या हो रहा है, हमसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएंगे, उनसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आएंगे। अब कैसे जी, तो फॉसल की स्टडी हमने की थी, अब फॉसल किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये हमने लिखी हुई है, ठीक है जी, फॉसल की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। फॉसल इट इज अ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर लिव्ड इन पास्ट डाइड And came to us in preserved form, ठीक है जी, ये definition थी। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो fossil क्या थी? They are prehistoric remain, ठीक है? अब लफ्ज यूज हो रहा है जी prehistoric, जैसा कि अब आप लोगों ने biology रखी है तो आप प्री मेडिकल कहलाते हो, ठीक है, मेडिकल से पहले। तो इसी तरह prehistoric, जब इंसान ने हिस्ट्री का स्टार्ट किया, ठीक है, आप ये बात करते हैं कि हमारे कैलेंडर्स क्या हैं, ठीक है जी, आप लोग पढ़ते रहते हैं इतने ईस्वी इतने ए सी डी ए डी, ठीक है जी, आफ्टर डेथ आफ्टर बर्थ, तो जब इंसान भी नहीं थे, ठीक है जी, इंसान होते तो हिस्ट्री का स्टार्ट होता है, तो प्री हिस्टोरिक जब हिस्ट्री भी स्टार्ट नहीं थी उससे पहले, ठीक है जी, वो जानता था प्री हिस्टोरिक रिमेन, इंसान ने जब हिस्ट्री गिननी शुरू की उससे पहले के रिमेन्स बाकियात किसके ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदार जो इंसान के आने से पहले मौजूद थे उन जिंदा जानदारों की बाकियात बचा कुछ, ठीक है जी, लिव्ड इन पास्ट, और ये बात तो क्लियर है कि जब प्रीहिस्टोरिक की बात की तो वो जानदार माजी में रहते थे। एंड केम टू अस, और हमारे पास किस तरह आए जी, प्रिजर्व फॉर्म में, ठीक है, प्रिजर्व फॉर्म में, महफूज की गई शक्ल में, ये जो बाकियात है जो महफूज शक्ल में हमारे पास आई है जानदारों की, इस बाकियात को आप लोग कहते हो फॉसल, ठीक है, इनमें हम लोग कहते हैं फॉसल, कोयला, गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये जो हमें मिलते हैं इन्हें कहते हैं फॉसल फ्यूल्स, ये वो जानदारों के हड्डियां उनके मांस वगैरह की ही डिसॉल्यूशन से ये चीजें बनती हैं, इसलिए उन्हें फॉसल फ्यूल कहते हैं, फ्यूल हमारे काम आता है फॉसल, क्योंकि फॉसल जब बन रहे थे तब वो बने, ठीक है। अच्छा जी, अब इन फॉसल में हमें किस तरह बताया कि जी जो जानदार हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते रहे, एवोल्यूशन हुई आसान कर देते हैं, तो वो हुआ था फॉसल रिकॉर्ड की मदद से, ठीक है। फॉसल रिकॉर्ड किसे कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और फ्रॉम ओल्डेस्ट फॉसल टू मॉडर्न यंगर फॉसल। जब आप जितने भी फॉसल हमें मिलते हैं आप उनको इस तरह तरतीब देते हुए सबसे पुराना पहले, फिर उससे थोड़ा सा जल्दी मिलने वाला, फिर उससे थोड़ा सा जल्दी मिलने वाला, और फिर एंड पे वो जो अभी हमें कोई 100-200 साल पहले मिला। तो जब आप जानदारों को तरतीब से उनकी एज के लिहाज से रखते हो कि ये जी 100 साल पुराना, ये 200 साल, सॉरी ये 200 साल पुराना, ये 100 साल पुराना, ये 50 साल पुराना हमें मिला है, ठीक है, जब आप उस ज्यादातर किस तरह रिकॉर्ड तरतीब में रखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जो सबसे पुराना था वो सिंपल था, ये उससे थोड़ा सा एडवांस है, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये उससे ज्यादा एडवांस है, ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जब हमने फॉसिल रिकॉर्ड बनाए, फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए फॉसिल की स्टडी की, तो हमें पता चला कि जिंदगी के आगाज पे जो जिंदगी मौजूद थी, ठीक है, वो सिंपल थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो कॉम्प्लेक्स हो रही है, वो एडवांस हो रही है, ठीक है। तो फॉसिल रिकॉर्ड ने या फॉसिल की स्टडी ने हमें बताया कि ये जानदार जो है वो एडवांस हो रहे हैं। अच्छा, अब फॉसिल की मदद से हम एक और बात निकाल सकते हैं, वो है कि लिंकेज डेवलप कर सकते हैं कि दो डिफरेंट जानदार या दो जानदार ऐसे जो आपस में ज्यादातर खसूसियात एक जैसी शो करते हैं, ठीक है, वो आगे या पीछे किससे निकले थे, जिसे हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं जी, ये इससे पैदा हुआ, वो उससे पैदा हुआ, वो उससे पैदा हुआ। तो एवोल्यूशन जब हम स्टडी कर फॉसिल रिकॉर्ड की स्टडी कर रहे थे तो बहुत से ऐसी चीजें भी थी जिनका हमें कॉमन ओरिजिन मिलना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल के इंसान की बात हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम हमें यकीन नहीं है बाबा की इस बात पे कि इंसान बंदर से निकला है, डिफरेंट जानवरों की बात कर लेते हैं, जैसा कि जी बैट चमगादड़ नंबर वन, वेल ठीक है जी नंबर टू, और कैट बिल्ली नंबर थ्री, ठीक है जी। इनके जब
फ्यूमर की बात की जाती है, ठीक है, सॉरी इनके जो फोर लिम्स की बात की जाती है, तो इनकी सबसे पहले ह्यूमर आती है, वो भी एक है। रेडियस ऑफ अल्ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो होते हैं, बिल्ली में भी दो हैं, बैट में भी दो हैं, और जो वेल है उसका जो फ्लिपर है उसके भी इस हिस्से में दो हैं। और आखिर पे आके हमारे पास ये जो टार्सल फिलेंजीज आती हैं, जो अरेंजमेंट इनकी है बैट्स के, जो चमगादड़ है उसके पर की भी वैसी ही है, ठीक है जी। बिल्ली के जो क्लॉज हैं, पंजे हैं, उनकी अरेंजमेंट भी ऐसी है। तो जब हम लोग जानवरों की स्टडी कर रहे होते हैं तो ये हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस भी नजर आते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप के जानदारों को बताते हैं ये बेशक डिफरेंट है इस वक्त, लेकिन ये पीछे किसी एक जानदार से ही निकल के आए हैं। ऐसी स्टडी जिसमें आप लोग एवोल्यूशनरी फॉसल की स्टडी करते हो, क्यों? क्योंकि आपने रिलेशनशिप स्टडी करना है, आपने ताल्लुक पैदा करना है कि ये दो डिफरेंट जानदार है, इस वक्त डिफरेंट है, लेकिन आगे कहीं ये एक ही जानदार से तो पैदा नहीं होगी। तो जब आप फॉसिल स्टडी करते हो फाइंड करने के लिए एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है जी, उस हिस्से उस ब्रांच को फाइलोजनी भी कहा जाता है। फाइलोजनी वैसे जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो उससे मुराद होती है ग्रीननेस, ठीक है। तो फॉसिल स्टडी हमें यह भी बताती है कि जानदारों की ये जो वैरायटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये कैसे है, ठीक है। एक जानदार से दो पैदा हुए, दोनों डिफरेंट एनवायरमेंट में गए, डिफरेंट खसूसियात के हामिल हो गए, तो उनसे आगे जो नस्ल आई वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो जो फॉसिल स्टडी होती है या फाइलोजनी, ये हमें हेल्प आउट करती है ताकि हमें पता चले कि एक जानदार से क्या एक से ज्यादा जानदार एवोल्यूशन के जरिए पैदा हुए हैं, या एक जानदार ने सिर्फ एक जानदार के एवोल्यूशन से पैदा किया है, या जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ के हैं 9th में टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक में हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात की थी, तो इससे हमें ये भी पता चलता रहता है। जैसा कि अगर एग्जांपल दी जाए तो स्पैरो और पिजन दोनों बर्ड्स हैं, लेकिन दोनों में थोड़ी बहुत खसूसियत डिफरेंट है। ये दोनों बर्ड्स किसी एक जानदार से पैदा हुए होंगे, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो पिजन स्पैरो और कोई एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल आप हम लोग ले लेते हैं जी क्रोकोडाइल, ठीक है। तो जब हम लोग इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, इनकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो पिजन और स्पैरो है ये दोनों कहीं ना कहीं एक जानदार से निकले हैं, क्रोकोडाइल का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम डिफरेंट ग्रुप की स्टडी कर रहे थे रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन, तो हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली फाइलोजनी स्टडी कर रहे थे। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा हमें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी फॉसिल की स्टडी। बार बार लफ्ज आ रहे थे हमने फॉसिल की स्टडी की, फॉसिल की स्टडी की, तो फॉसिल की स्टडी की किस तरह? तो बेसिकली डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉसिल की स्टडी करने के लिए, ठीक है जी। हमारी बुक में सिर्फ दो बताए गए, तो हमने उन्हीं दो को यूज करना है। नंबर वन होगा सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन, और नंबर टू डेटिंग, कार्बन डेटिंग, रेडियोएक्टिव डेटिंग, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो जब हमने फॉसिल की स्टडी करनी होती है दो चीजें पता करने के लिए, पहला कितने साल पुराना है, नंबर वन, नंबर टू हमने ये चेक करना होता है कि ये किस तरह के एनवायरमेंट से आया होगा, ठीक है, कितने साल पुराना है, किस तरह के एनवायरमेंट से आया होगा। इन दोनों चीजों को चेक करने के लिए हम फॉसिल की स्टडी इन दो मेथड से करते हैं। सबसे पहले जी सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट से मुराद है लेयर, तह बनना। इसकी मिसाल ऐसा है कि अगर आप एक घर में अच्छी तरह सफाई करते हो, उसे बंद करके चले जाते हो, दो हफ्ते बाद आते हो, तो आपको पता चलेगा आपकी हर चीज जो घर में मौजूद है उसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ लेयर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब ये होता कैसे, ठीक है जी, डिफरेंट मिट्टी के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, वो जब सेटल डाउन होते हैं एक लॉन्ग टर्म तक, तो वहां पे लेयर बनती है। अब जब हम लोग खुदाई करते हैं जमीन में जानदार की, सॉरी फॉसिल निकालने के लिए, तो हम लोग चेक करते हैं कि जमीन में कितनी तहें बनी हुई हैं, ठीक है जी। नॉर्मली एक तह को, ठीक है जी, एक अच्छी खासी तह जिसे कहते हैं 1 मीटर की, उसे मोर देन 7000 ईयर, 7000 साल से ज्यादा का वक्त लगता है एक मीटर जो मिट्टी की लेयर है उसे बनने के लिए, या मे बी सॉरी 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को बनने के लिए 7000 साल चाहिए। तो जब हम लोग मिट्टी की खुदाई करके फॉसिल निकालते हैं, तो साथ ही हम लोग ये भी चेक कर रहे होते हैं कि मिट्टी की लेयर कितनी है। हम उन लेयर्स को गिनकर, ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रैक्शन जो भी रूल होगा उसके जरिए मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें पता चल जाता है जी, हमने फर्ज करें जी इतने लेयर के नीचे हमें ये फॉसिल मिला है, तो इस फॉसिल से ऊपर 4 लेयर फर्ज कर ले,
तो एक रफ आइडिया भी लगाया जाए कि 7,000 साल एक लेयर को बनने में लगे, तो 4, 7, 4 पर उस फॉसिल की उम्र 28,000 साल हो, ठीक है, ये रफ आइडिया क्या। अच्छा, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हम लोग लेयर स्टडी करते हैं, उसके नंबर स्टडी करते हैं, जितनी लेयर्स के नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, जितना उसे बनने में टाइम लगा उतना ही उस फॉसिल की एज होगी, ठीक है, इक्वल टू फॉसिल एज। अच्छा, अब डेटिंग की तरफ आते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, चैप्टर 2 आइसोटॉप्स के यूजेस 9th क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि आइसोटॉप्स को, जो फॉसिल हमने निकाला है उसके अंदर जो आइसोटॉप है हमने उनकी डिटरमिनेशन करनी होती है कि वो जो आइसोटॉप है वो कितना पुराना है। और आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग ये यूज करते हैं तो हम लोग हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आइसोटॉप की स्टडी में। हम लोग एक फॉसिल निकालेंगे जमीन से, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंगे, उसकी हाफ लाइफ चेक करेंगे कितना रेडियो एक्टिव एलिमेंट बचा हुआ है, उसको हाफ लाइफ के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगी कि ये फॉसिल इतने साल पुराना है। और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये आपने फिजिक्स में, आई थिंक 9th क्लास के आखिरी चैप्टर्स फिजिक्स के इसी तरह के आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे हाफ लाइफ की बुनियाद पर। तो इस तरह क्या हो सकता है कि हम लोग फॉसिल की स्टडी से एक तो फॉसिल की एज पता कर सकते हैं, वो फॉसिल जिस मिट्टी में था जितना ज्यादा नीचे होगा वो फॉसिल उतना पुराना, जो उससे ऊपर होगा वो थोड़ा सा नया, जो सबसे ऊपर होगा वो एडवांस फॉर्म का फॉसिल होगा, अभी कुछ 100 साल 1,000 साल में बना होगा। इस तरह हम लोग फॉसिल की स्टडी करते हैं, फॉसिल की स्टडी से फॉसिल रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है जी, फॉसिल रिकॉर्ड बनते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि कौन सा जानवर पहले था कौन सा बाद में आया, और फॉसिल रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि दो डिफरेंट दिखने वाले जानवर के आपस में कहीं एक पॉइंट पे आके मिल तो नहीं रहे, या दो एक जैसे दिखने वाले जानवर डिफरेंट तो नहीं है एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से। तो ये सारी चीजें हम लोग लाइफ इन टाइम में स्टडी करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं जी फेलेथिक लिंकेज, आखिरी टॉपिक है हमारा, इसे उर्दू में शजरा भी कहते हैं, शजरा नसब, ठीक है, कि अक्सर लोगों के शजरा होता है कि ये उसका बाप ये आगे उसका बेटा ये आगे उसका बेटा ये उसका बेटा, ठीक है, जिस तरह नबी पाक के शजरे की हम लोग बात करते होते हैं कि उनके शजरे अक्सर उलमा के नाम को याद होता है। तो बेसिकली फेलेथिक लिंकेज क्या है जी, इट इज अ अनब्रोकन सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन व्हिच स्पीशीज आर अरेंज, ठीक है, फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, ठीक है जी। जो फेलेथिक लिंकेज है ये जानवरों की तरतीब का एक ऐसा ना टूटने वाला सिलसिला है जिसमें आपको पता चलता है कौन सा जानवर पहले आया कौन सा बाद में आया कौन सा उसके बाद आया एक बार, और इससे आपको यह भी पता चल जाता है कौन सा सिंपल था उसकी एवोल्यूशन से कौन सा कॉम्प्लेक्स जानवर बना उसकी एवोल्यूशन से कौन सा कॉम्प्लेक्स जानवर बना। तो स्टार्ट करते हैं जी फेलेथिक लिंकेज क्या है, इट इज अ अनब्रोकन सीरीज, ना टूटने वाला सिलसिला होता है, ठीक है जी। अगर आप इसको ऐसी बात भी कर सकते हैं कि ये जानदार से दो जानदार पैदा हुए, ये दोनों इससे डिफरेंट थे, आगे हर जानदार से दो जानदार पैदा हुए, और ये चारों इन दोनों से डिफरेंट थे, ये दोनों इन दोनों से डिफरेंट थे, तो ये जो ना टूटने वाला एक सिलसिला चलता है इसे फेलेथिक लिंकेज कहते हैं। तो ये अनब्रोकन सीरीज है ऑफ स्पीशीज जानदारों की जिसमें आप अरेंजमेंट करते हो इंसेस्टर टू डिसेंडेंट, ये इंसेस्टर है अबाउंडा आगे ये दोनों इसकी नस्ल है तो डिसेंडेंट कहलाएंगे, ये दो चारों इनसे निकले तो ये इनके डिसेंडेंट कहलाएंगे, ठीक है जी, डिसेंडेंट, और ये दोनों इनके एंसेस्टर्स कहलाएंगे, ठीक है, अबाउंडा। तो ये अनब्रोकन सीरीज होती है जिसमें आप जानवरों को अरेंज किस तरह करते हो, डिसेंडेंट पहले और सॉरी इंसेस्टर अबाउंडा पहले उनकी नस्ल बाद में, फिर आगे इससे भी नस्ल निकलेगी वो बाद में, इस तरह आप अरेंज करते हो जिससे हमें पता चलता है कि जी सीक्वेंस में पता चलता है कौन सी स्पीशीज लेटर है कौन सी स्पीशीज बाद में आई है, और उससे पहले जो स्पीशीज होगी फॉर्मर वन उससे वो इवॉल्व हुई थी। फॉर एग्जांपल इनकी बात कर लेते हैं, ये बाद में आए ये पहले आए, तो जाहिर सी बात है ये वाले इससे इवॉल्व भी हुए होंगे किस तरह की, या इन दोनों की बात कर लेते हैं, ये बाद में आए ये पहले आए, तो ये चारों जानदार इन दोनों जानदारों से इवॉल्व हुए। तो इस तरह का जो सिलसिला है जिसमें जानवरों को अरेंज किया जाता है कि ना टूटने वाले सिलसिले में, जिसमें जो अबाव इजाद है उन्हें पहले रखा जाता है और उनके जो आगे नस्ल है उन्हें बाद में, और एक ऐसा सिलसिला जो बताता है कि जानदार से पहले जो मौजूद होगा उससे नीचे वाला जानदार एवोल्यूशन के जरिए निकला है। यहां तक हमारी बात क्लियर हुई थी फेलेथिक लिंकेज किसे कहते हैं। अब फेलेथिक लिंकेज का आसान तरीका क्या जी, ये हमें रिमोट पास्ट आपकी बुक में एक दफा यूज हुआ है उसके मुतालिक बताता है कि बहुत पीछे चले जाए तो माजी में, ठीक है, माजी बाइद में, आसान वर्ड यूज कर लेते हैं,
किस तरह के जानदार थे और उनमें जब एवोल्यूशन होती रही है तो आजकल किस तरह के जानदार पैदा हुए, या बात कर लेते हैं आजकल जो मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी आई है। ठीक है, यहां तक हमारी फेलेथिक लिंकेज है, फिर इसका ताल्लुक बताया जाता है बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या थी और फेलेथिक लिंकेज हमें फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए पता चलती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। वजह हमारे पास अभी भी जो फॉसिल का डेटा वो इनकम्प्लीट है। बहुत से सॉफ्ट बॉडी फॉसिल होते हैं वो बचते नहीं है, टेम्परेचर की वजह से खत्म हो गए, नंबर वन। नंबर टू, वैसे भी कहा जाता है अगर एक जगह पे 1000 जानदार मौजूद हो तो उनमें सिर्फ एक फॉसिल बनेगा, बाकी 9999 खत्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान ही नहीं बचेगा। लिहाजा बहुत से ऐसे जानदार हैं जिनके मतलब हमें पता ही नहीं है, अगर उनका पता चल जाए तो हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो बेहतरीन बन जाएगा। एवोल्यूशन का मतलब बहुत से कंसेप्ट वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। अब बायोडाइवर्सिटी की तरफ आते हैं तो ये क्या होती है, वैरायटी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ प्लेस, एक खास जगह पे किस तरह के जानवर मौजूद हैं क्वालिटी के लिहाज से और कितनी तादाद में मौजूद हैं, उसको आप लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये बात आप लोग जानते हैं कि हमारे पास 2.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स का डेटा है, हमें पता है 2.5 मिलियन जानदार जिन्हें हमने स्टडी कर लिया, हमें पता है वो कैसी खुराक खाते हैं, वो किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, उनकी खसूसियत क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो टोटल अमाउंट जमीन पे समझी जाती है वो है 5 to 3 मिलियन। ठीक है, 5 से 3 मिलियन तक के जानदार जमीन पे हैं, हमें सिर्फ 2.5 का पता है। ठीक है, तो बल्कि बिलियन है, अच्छा जी, हमें 2.5 मिलियन जानदारों का पता है। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अब आते हैं जी यहां पे, अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हमें पता है यहां से आपके एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा तादाद इंसेक्ट की है, हशरात कीड़े मकोड़े कितनी है जी, 53.1% इंसेक्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है 99.9% एनिमल प्लस अदर इंसेक्ट। ठीक है, 76.6 जो है वैस्कुलर प्लांट है, ऐसे प्लांट जिनमें वैस्कुलर बंडल्स हैं, ज़ाइलम फ्लोएम मौजूद है। रेड देन 9.4% फंजाई प्रोटोजोआ और प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये वो जानदार हैं। ठीक है, जो थर्ड किंगडम में मौजूद होते हैं, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे मैंने बिलियन का वर्ड यूज किया क्योंकि मे बी आपकी बुक में मिलियन ही लिखा गया हो, लेकिन हर बुक्स में बिलियन का वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा